एरिया ऑफ ट्राइंगल हूज वर्टिसेस आर गिवन, हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस क्या होंगे, गिवन होंगे। ओके तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे हम। ओके अरे क्या आ गया, वाई आ गया। हमने पॉइंट लिए, पी लिया, क्यू लिया, आर लिया। ओके लेट करेंगे हम पी ऑफ आर वन कमा थीटा वन, ठीक है। ओके क्यू ऑफ क्या लेंगे हम, आर टू कमा थीटा टू, एंड आर ऑफ आर थ्री कमा थीटा थ्री, बी द वर्टिसेस, बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल कौन सी, इसको ज्वाइन करो, पी क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देन हमारे पास जे लिया हमने पी ऑफ है ना, आर वन कामा थीटा वन, आर टू कामा थीटा टू, और जाएगा आर थ्री कामा थीटा थ्री, ठीक है। तो जे क्या आ जाएगा, जे मरवास एंगल कितना आ जाएगा थीटा वन, जे वाला एंगल कितना आएगा। अच्छा जहां से भी इसको ज्वाइन करना है हमने, इसको भी ज्वाइन करो, ठीक है। और जे है थीटा वन, जे कितना आ जाएगा थीटा टू, और जे कितना आएगा, ठीक है, दैट इज थीटा थ्री। ओके देन हमारे पास क्या आएगा, और साथ में जे डिस्टेंस ओपी दैट इज आर वन, जे क्या है आर टू, जे क्या है आर थ्री, ठीक है ना। देन ओपी क्या है आर वन, ओ क्यू क्या है आर टू, ठीक है ना, और ओ आर क्या है आर थ्री, ठीक है, समझे। अब एंगल एक्स ओ पी, एंगल एक्स ओ पी कितना है थीटा वन, एक्स ओ पी कितना है थीटा वन है, ठीक है। एंगल कौन सा एक्स ओ क्यू, एक्स ओ क्यू कितना है थीटा टू, एंगल एक्स ओ आर कितना है थीटा थ्री, समझे मेरी बात, मतलब एक्स ओ आर थीटा थ्री जे लिए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। पता है आपको कैसे निकालेंगे मेरी इस ट्राइंगल का एरिया, हम करेंगे एरिया ऑफ जे भी हमारे पास क्या है एक, जे देखना क्यू पी क्यू ओ या ओ पी क्यू, जे क्या है एक ट्राइंगल है, फिर जे क्यू ओ आर जे भी एक ट्राइंगल है ना। हमने जे ट्राइंगल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी जे मतलब क्या आएगी, पी क्यू आर इक्वल टू क्या आएगा, सुनिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस वन, ये वाला पोर्शन, समझ रहे हो ना, माइनस कौन सा करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस वन, समझेंगे। इसका मतलब हमें एंगल इसका भी चाहिए, ठीक है। नाउ एंगल लेंगे हम, हमें जे वाला एंगल निकालना है, ओके जे वाला एंगल निकालना है, क्लियर, समझ गया आप। और जे वाला एंगल, जो जे वाला एंगल दोनों का, समझ गया ना, दिख रहा है ना, रेड पेन से लिख रहा हूं, तो जे जे वाला एंगल, जे वाला एंगल क्या आएगा, जे वाला आएगा थीटा टू माइनस थीटा वन, और जे वाला एंगल कितना आएगा, जे वाला सिर्फ जे वाला थीटा थ्री माइनस थीटा टू, जे टू है ना यहाँ पे, हमने मतलब ये थीटा थ्री यहां तक है, इसमें से जे वाला माइनस करेंगे तो जे वाला ही मिलेगा हमें, थीटा टू माइनस थीटा, और जो जे वाला एंगल है, जे वाला एंगल जो लिख रहा हूं मैं, जे वाला एंगल, ठीक है, ठीक ठीक जे वाला एंगल कितना आ जाएगा थीटा थ्री माइनस थीटा वन, क्योंकि जे वाला एंगल है ना, जब थीटा थ्री जहां तक थीटा थ्री है, और जे वाला माइनस कर तो थीटा वन वन मिल जाएगा हमें, फिर हुआ। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, एंगल पी ओ
पीओ क्यू क्या आएगा, पीओ क्यू एंगल आएगा थीटा टू माइनस थीटा वन, राइट। फिर एंगल है कौन सा, क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर कितना आएगा थीटा थ्री माइनस थीटा टू। समझ आया, कुछ ज्यादा खिचड़ी तो नहीं पक गई है, ठीक है ना। तो यहां पे ये है ना जी थीटा थ्री माइनस थीटा टू क्या आएगा भाई, ये जहां से लेके जहां तक थीटा थ्री है तो ये थीटा टू इसको माइनस करना, तो ये थीटा थ्री माइनस थीटा टू मिल जाएगा, है ना। ये पूरा एंगल थीटा टू है ना, यहां तक ये टू है तो ये पूरा थ्री है, हमें इतना सा पोर्शन निकालना है, इतना सा भाई ये वाला माइनस करे तो ये मिलेगा हमें, ठीक है ना। कोई डाउट है, ऐसे डाउट से देख रही है क्यों भाई, ये देख देख ये वाला एंगल कितना है थीटा टू और ये वाला एंगल कितना है थीटा थ्री, तो हमें ये वाला निकालना है, तो क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे तब तो जाके ये मिलेगा। आया समय, चलो बड़वा डाल चाहिए मुझे ना, अब क्लियर हो गया नहीं तो, हाँ हुआ क्लियर। अब जे वाला है, जैसे जे वाला निकालना है, जे बीच वाला तो क्या आएगा, ठीक ना। जे बीच वाला तो क्या करेंगे, थीटा थ्री में से थीटा वन को माइनस करेंगे हम। अब एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर क्या आएगा, थीटा थ्री माइनस थीटा वन, थीटा थ्री माइनस थीटा वन, जे मानो से एंगल आ गया, क्लियर। अब क्या लेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी, पी क्यू आर, पी क्यू आर इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन से वाले लेंगे, वाले ये आएगा ट्राइंगल पी ओ क्यू, जो एंगल तो बीच में रखना है, ठीक है, इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू, कौन से वाला, पीओ आर, पीओ आर वाला समझाऊं, पीओ आर, अच्छा अच्छा रुक इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, दूर दूरी लिखता हूँ थोड़ा समझ आ जाए आपको। जे एंगल कितना है थीटा वन और जे एंगल कितना है थीटा थ्री, ठीक है। हमें चाहिए कौन सा एंगल, हमें पीओ आर का मतलब जे वाला एंगल चाहिए हमें, कौन सा वाला, जे वाला एंगल, है ना, जे वाला एंगल चाहिए, जे वाला एंगल चाहिए, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ये पूरे में से थीटा थ्री में से थीटा वन माइनस तभी जाके जे मिलेगा हमें, ओके क्यों हो गया सभी को। उसी तरह से हमें जहां पे लिखा एंगल पीओ क्यू कितना थीटा टू माइनस थीटा वन, एंगल क्यू ओ आर क्या लिखा थीटा थ्री माइनस थीटा टू, एंगल पीओ आर क्या लिखा थीटा थ्री माइनस थीटा वन। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी, पीओ क्यू, जे वाला पोर्शन लेंगे पहले, है ना, जे वाला पोर्शन लेगा, फिर कौन सा लेंगे हम, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला, क्यू ओ आर, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ आर माइनस, माइनस कौन सा करेंगे, क्योंकि हमें जे वाला पोर्शन, जे वाला पोर्शन ले लिया पूरा, जे वाला भी ले लिया और माइनस जे करेंगे हम, ठीक है ना, माइनस आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओ आर, ओके। अब आप बताओ जैसे पीछे वाला आर्टिकल किया है ना, वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या आएगा, वन बाई टू, ठीक है। अब जे वाला पोर्शन ले रहे ना हम, जे वाला, तो बताओ क्या आएगा, ओपी, है ना, ओपी इंटू ओ क्यू, राइट, ओपी इंटू ओ क्यू इंटू साइन ऑफ क्या आएगा, एंगल कौन सा लेंगे हम, पी ओ क्यू आएगा, प्लस वन बाई टू क्या आएगा, अब जहां पे क्या लेंगे हम, कौन सा ट्राइंगल है, एरिया ऑफ क्यू ट्राइंगल क्यू ओ आर, है ना, अब ये क्या आएगा, ओ क्यू इंटू ओ क्यू, समझे आप, इंटू ओ आर इंटू क्या आएगा, साइन ऑफ,
साइन ऑफ क्यू आर, एंगल क्यू ओ आर, ओके, माइनस क्या आएगा 1/2। अब जे वाला ट्रायंगल ले रहे कौन से वाली पीओ क्यू, इट मीन्स क्या आएगा ओ पी इंटू ओ आर साइन ऑफ एंगल क्या आएगा पीओ आर, पीओ आर। अब जे क्या लेंगे 1/2 ओपी, ओपी क्या बनवास यहां पे लिखा हुआ है आर वन और ओ क्यू आर टू साइन ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन साइन ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन ओके प्लस 1/2 आर टू इंटू आर थ्री है ना, ओ आर क्या है आर थ्री है और ये क्या है साइन ऑफ थीटा थ्री माइनस थीटा टू माइनस 1/2 ओपी क्या आर वन है ना इंटू आर थ्री, ये साइन ऑफ क्या आएगा थीटा थ्री माइनस थीटा वन, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी निकाला हुआ यहाँ पे, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया ओके। यहाँ पे क्या करेंगे हम सभी में से 1/2 ऐसे लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में 10 एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या आएगा 1/2 कॉमन रखो और ये कितना आएगा आर वन आर टू साइन थीटा टू माइनस थीटा वन क्लियर प्लस ये क्या आएगा आर टू आर थ्री साइन ऑफ थीटा थ्री माइनस थीटा टू माइनस क्या आएगा आर वन आर टू साइन ऑफ थीटा थ्री माइनस थीटा वन आर सॉरी आर वन इंटू आर थ्री ओके। जैसे आर वन आर टू आर टू आर थ्री, तो जहां पे मैं पहले आर थ्री कर सकता हूँ आर थ्री इंटू आर वन एक सिमिट्री के मैं बना के है ना साइक्लिक सिमिट्री कहते हैं इसको हम आर थ्री इंटू थ्री वन आर वन जी आया। अब जहां पे थीटा टू माइनस थीटा वन तो जे थीटा थ्री माइनस थीटा वन थीटा थ्री माइनस थीटा वन समझिए ना ओके। कोई डाउट इस आर्टिकल को करने के लिए आपको पीछे वाला आर्टिकल आना जरूरी है जी ना, अगर वो नहीं आएगा फिर इसमें जे नहीं पता चलेगा जे एरिया शेरिया जे वाले फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं ओके। कोई डाउट नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हूज वर्टिसेस आर 4π/6 4π/2 एंड 8π/3 ओके। तो क्या करेंगे हमें इसका एरिया निकालना है, अभी हमने आपको एरिया प्रूव करके दिया जे फॉर्मूला है एरिया का ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे हम उसमें लेंगे हम वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओके क्या ले लेते हैं हम पी ऑफ पी क्यू आर ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या था हमारे पास ये क्या आएगा 1/2 कॉमन निकाला हमने आर वन बताइए आर वन आर वन इंटू जे वाला फॉर्मूला ठीक है आर वन इंटू आर टू साइन ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन राइट प्लस क्या आएगा आर टू इंटू आर थ्री साइन ऑफ थीटा थ्री माइनस थीटा टू राइट यस माइनस क्या आएगा आर थ्री इंटू आर वन और जहां पे आएगा साइन ऑफ क्या जाएगा थीटा थ्री माइनस थीटा वन ठीक है। ये प्लस क्या गया एरिया एरिया निकालने का फॉर्मूला ओके। यहां पे अब क्या लिखेंगे हम हेयर आर वन क्या है आर वन बताओ 4 आर टू क्या है 4 आर टू भी 4 और आर थ्री कितना है 8 थीटा वन कितना है 5/6 थीटा टू कितना है 5/2 थीटा थ्री कितना है 2π/3 ठीक है। तो ये हमारे पास आया अब यहां पे क्या कह रही हूं
इसमें यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो जी क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू आएगा 1/2, ये आएगा 4 into 4, ये क्या जाएगा साइन ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 मतलब 5/6 माइनस π/2 माइनस π/6 ठीक है, प्लस क्या आएगा r2 माइनस r3 मतलब 4 into 8, ये क्या आ जाएगा साइन थीटा 3 माइनस थीटा 2 थीटा 3 कितना हमारे पास 2π/3 माइनस π/2 माइनस θ3 मतलब 8 into 4, ये कितना जाएगा साइन ऑफ थीटा 3 मींस 2π/3 माइनस π/6 क्लियर, तो कितना आएगा 1/2 4 4 16। अब इसमें से करो 90 में से 30 माइनस करें कितना आता है π/3 है ना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं और ये कितना जाएगा जहां पे कितना है 4 8 32 साइन और ये कितना आ जाएगा हमारे पास बताओ कौन सा ये वाला 120 में से 90 निकाले से रहते हैं π/6 जाएगा π/6 राइट, क्योंकि जो 120 है माइनस 90 के लिए कितना था 30 है ना, माइनस कितना आ गया ये हमारे पास 32, इसमें से बताओ π/2 120 में से 60 माइनस करें 30 माइनस करें है ना, दैट इज साइन कितना आ जाएगा साइन π/2 ओके, ये कितना आया 1/2 16 साइन 30 साइन 30 सॉरी साइन 60 रूट 3/2 प्लस 32 साइन 30 कितना आएगा ये क्या आ जाएगा मेरे पास इनटू 1/2 जाएगा माइनस 32 साइन 90 1 ठीक है, इसको कट करो कितना आता है 16, इसको कट करो कितना आता है 8 राइट 1/2 ये आया 8 रूट 3 और जब 16 में से 32 लग जाते हैं माइनस 16 2 से कट करा तो कितना आया 4√3 - 8 है ना, ये 4 कॉमन निकाला कितना है √3 - 1² - 2 क्या आएगा ये हमारे पास कितना आ गया 4√3 माइनस ये ना 4√3 - 8 है तो क्या करें 4 कॉमन आ √3 - 2² यूनिट्स ओके ठीक है समझ आया, ये था हमारे पास एरिया किसका ट्रायंगल का ठीक है, जब हमें क्या दिया पोलर फॉर्म में एंगल दिए हो और रेडियस वेक्टर दिया हो तो हमें किस तरह से एरिया फाइंड करना है ओके, एनी क्वेश्चन भाई वाले पार्ट्स निकालोगे ठीक है करो फिर ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।